से तकद्दुस है, ध्यान कभी वो नजरिया कांग्रेस का, लेकिन ये लोगों ने सब बेचना, तो कांग्रेस क्या करी, ज्ञान के धैर्य के नीचे बोल रहे हैं। अब महमूद अली साहब आके बोल रहे हैं, महमूद अली साहब बेचारे इमाम जमीन के मिनिस्टर, आपके 3 महीने पहले का वीडियो है तो सब देखे होंगे, एक उनके चीफ मिनिस्टर की गेट में घुसने लगे के बैठा दिए, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में होम मिनिस्टर को नियाने दे रहे, उनके सामने डीएजियां आईजियां धना अदन जब अंदर घुसे उनको बाहर कोई उठाकर देखे ना सर, नहीं देखिए मैं देखे तो मैं समय डालता हूँ। तो एक होम मिनिस्टर को मैं अगर रहता तो कांग्रेस रहती लात मार के निकल के इस्तीफा देते थे, मेरी मिनिस्ट्री कैसी की थी, इतनी बेइज्जती हमारी। एक कांस्टेबल रेलवे गेट में से सीएम के घर में अंदर नहीं, अभी वहाँ 3 गेट आए, पहली गेट में निकाल दिया, ऐसा पहले गेट पे चले गए सुबह में, आपका क्या बना था? हमने 5% रिजर्वेशन बोले 4 लाख, आज कितने लोग 20 लाख बच्चे हमारे डॉक्टर इंजीनियर जंगलिए जंगसिए आपके घर मार है आंध्र और तेलंगाना। इस साल मेडिकल कॉलेज में 1100 बच्चों को मिला 3 सीट, जिसमें ऑटो की ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बच्ची, पुराना सामान वाले काम करने वाले की बच्ची, कैसे कैसे ऐसे मौसम में कोई भी बोलता कांग्रेस क्या करे। आज 5-7 साल से एक बच्चे को लोन नहीं मिला, गरीब बच्चे खाली एप्लीकेशन दे के वेटिंग में बैठे, आ जा रहा कल आ रहा, कहा था एक पैसा। तो हम आपसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया, 70 साल के अंदर हमने कभी ये नहीं पूछा कि कोसी लिपि बोले, मुझे बता रहे हैं हाँ मुझे भी आज काली टोपी पहन के आए, कब सफ़ेद थी, हम ये नहीं बोले कल को काली टोपी पहने सफ़ेद टोपी पहन के ना, वेंकटेश साहब हमारे ए पी साहब जाके रिजर्वेशन दिया है सुधीर भाई और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय के मुख्य होंगे, आप सबको यही रिक्वेस्ट है, आप तेलंगाना में वहां में क्या हो रहा हम बोलने का जरूरत है, देश में क्या हो रहा मालूम है, कोई एक तरफ मंदिर मंदिर बोल के बोलते हमारे गरीबों की फरवा लग जाते अकाउंट में बोल के, दो बार प्राइम मिनिस्टर है सारी लास्ट नंबर डीजल पेट्रोल भरा रहा भाई रहे गरीबों को काम नहीं कर रहे, अगर केसीआर का यही वही हालत है, मुसलमान जो है 90% वो गरीब लोग रहते हैं, उसमें 98% सरकार करने का रिपोर्ट भी एक भी इंप्लीमेंट नहीं, जैसे आज आपका लाख बढ़ा 2 लाख बजट है तेलंगाना का, मुसलमान की 12% तो आप भी भरोसा नहीं करें, हम भी भरोसा नहीं करें, 4% को कितना मुश्किल है हमारा गांव में सिद्धू भाई ने वाले 5-6 बार करके लीगलाइज कर दिया, उसको 5-6 भरे जमाने में होते थे डॉक्टर मुसलमान में, अभी भी कांग्रेस के रिपोर्ट में 2004 से कोई डॉक्टर बने रिजर्वेशन को नहीं, 16,000 डॉक्टर बने आपका 2004, अभी भी आप कांग्रेस को नहीं बोल रहा, अभी बड़े साहब है जाना रेड्डी साहब तेलंगाना का हाईएस्ट लीडर है, 7 बार MLA 20 साल मिनिस्ट्री दुनिया में कोई भी नहीं करे, 1 बार पेपर में पड़े पार्लियामेंट में इसलिए मैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको वोट डालना, एक भी वोट नहीं आया उन्होंने कहा समझे केसीआर साहब फिर आ रहे 13 तारीख आगे यही सोचे कहते तो यही सोचे पर तुम 2 महीने पहले एक बार आके गए फिर आ रहे 2 दिन के बाद तुम कितने पैसे ला रहे मैं समझ में आया, लाखों करोड़ कमाए हैं हजारों करोड़ कमाए, मेरे एक ही पैसे से रहा था जो तेलंगाना लाए 4 करोड़ पब्लिक गरीब लोगों के बातें हुई कुछ जॉब्स मिल रहा
घर 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 लाना ये है, इसके बोले बोलेगा ना घर एक फैमिली के वास्ते लगा करेंगे। अब मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आज भी वोट डरा कांग्रेस का हुकूमत बराबर 2023 में कांग्रेस बार सेकुलर पार्टी हारे हैं। यहाँ पे बीजेपी की जो कुछ भी नहीं, बीजेपी कैसे रह गई है भाई। पार्लियामेंट में देख तुम्हारा हर एक बिल जो लगाए पहले उत्तर दिए कैसे, पहले टीआरएस वाले जिंदा बैठ देते उसको। जब सीएए वाले काश्मीर का इश्यू फ्रीज हो गया है, हम लाके फोलो करे पहले बस टीआरएस वाले। आप टीवी में देखो, अभी भी यूट्यूब पर रहता इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, जीएसटी बिल में, सब कुछ उसको सपोर्ट कर रहा है। गाली बाहर थोड़ा गालियां लेते, मैं पीवीआर से लिख रहा था, तुम दारू से लिख रहा हो, इसीलिए वोट आ लिया जवाब में आपको। थैंक यू, सलाम वालेकुम, थैंक यू, नमस्ते। मलकपेट के एमएलए थे ना मलरेड्डी रंगारेड्डी साहब, उनके भाई इनकी विशेष अभी जो सो म्यूनिसिपल चेयरमैन तुर्कम जल के ग्रैंड पटन के म्यूनिसिपल चेयरमैन रंगारेड्डी के पूरा सागर का मल्लेपल्ली का पूरा मुसलमान जो बिजनेसमैन एम्प्लॉय पूरा यही रोड पर रहते हैं, उसका बड़ा म्यूनिसिपालिटी चेयरमैन है, बड़ा म्यूनिसिपालिटी चेयरमैन है, जो काम इमीडिएट होते हैं। घर नहीं मिलना बोले तो अक्सर मेरे घर के पास में घर बना लेंगे, जो मिला जाएंगे तो। और कोमलरेड्डी वेंकटरेड्डी साहब ने बताया कि पार्लियामेंट में कैसा क्या हो रहा है, दोनों एक ही है, एक सिक्के के दो रुपए, टीआरएस बीजेपी, क्योंकि 6 साल में कहीं भी बीजेपी से टकराव नहीं करा। आर्टिकल 37 में केशव राव ठहर के और उनकी पार्टी का अपनी नामा नाम के शरण ठहर के इतनी लंबी तकलीफ करके बहुत करे कश्मीर के अंदर 370 निकाल के आपने तारीफ बनाई, बोलते तारीफ आती है एक कैसे आपकी बात है। आप बताओ कि आर्टिकल 370 निकाले पहले हम खत्म कर देंगे, नक्सलिज्म खत्म करेंगे, अब क्या हुआ एक ही दिन में 24 बिचारों को, गरीब नौजवान बच्चे हमारे हमारे भाइयों को मर जाता है, ये कहा बोल रहा नहीं अर्बन नक्सलिज्म खत्म कर दिया, नहीं ये कर दिया कश्मीर टेररिज्म कहाँ करा है, चाय वाले किसान कर सकते, वो हमेशा है कड़ीपाल। कड़ीपाल किसको बोलते, पुराने जमाने में शहर बदल कर देते थे, गांव में भी पंचायत करके उठ बैठा हम पीछे सर, ये इसको भी गांव के बाहर कर दिया, वो फोन हमने कर हाईकोर्ट करी, 3 साल तक उससे गुजरात बंद था। अब ऐसे गुंडे ऐसे लोग बन गए, इन्हें पासपोर्टों का धंधा धोखा करके दिया सवाल है, इन्हें चीफ मिनिस्टर बन गए, अब हम कहाँ करें। ये वही जाना रेड्डी थे, यही वो मोहम्मद अली शब्बीर है, दिल्ली से आके बोला चलो 2012 में, अभी 2 साल है अपने इलेक्शन, 2 साल 2 महीने चीफ मिनिस्टर बनाते बोल रहे शब्बीर प्रमादम होना रहा चीफ मिनिस्टर ना जैसे तेलंगाना ये रे मैं बोला सर मैंने चीफ मिनिस्टर तीसुंदा तेलंगाना तीसुंदा नड़वर गए తో సాబోతో బి 18 పార్టీలో కన్సెన్సస్ చేయాలా, సమయం పడుతుంది మాకు, ఇంత సమయం లేదు నాకు టైం పడుతుంది, అప్పటి వరకు మీరు ముఖ్యమంత్రి తీసుకోండి బోధ ఇది కైసా భలే భాగే ఆదమీ హే సమయ తెలంగాణ పేలేదు బాబు కేసీఆర్ క్యా బోలా సాబ్ క్యా బోలే కేసీఆర్ మే జిపిఓ హూ కేసీఆర్ జో బోలా తో మళ్ళీ కలాకే बोल के जाना रेड्डी साहब उनको जाना रेड्डी साहब आ गए मीकू अलांटी ऐसे जाना रेड्डी साहब है भोला भाषा है। अब ये जाना रेड्डी साहब को जीतने का नहीं है, हम सब मिलके अपन सब मिलके कांग्रेस फिर से जिंदा होना है। आज हमको कदम कदम पर कांटे बिछाए जा रहे, कदम कदम पे हमारे मुश्किल आ रहे, क्या खाना क्या टोपी पहनना क्या गोश्त खाना, हमारा मदरसे बंद, हमारे कुरान शरीफ के ऊपर केस, तो क्या कदम है ऐसे वक्त में क्या हमारा फर्ज नहीं बनता। आज
दुनिया हिंदुस्तान के अंदर कहां भी वो कर्मकों को सताया जा रहा तो क्या हम उसके आवाज नहीं उठाई? तो आज हम सब पर फर्ज है कि हमारे बहनों को अजमत टूटी जा रही है, हमारे भाइयों को कोई खाने के नाम पे, कोई गोश्त के नाम पे ट्रेनों से बाहर फेंक दिया जा रहा है। क्या हमारे भाई नहीं है? मासूम 7 साल की बच्ची को उसको 6-6, 5-5 लोग रेप करते हैं, उनको सजा तक नहीं होती? सेंट्रल मिनिस्टर दिल्ली में कहता है कि मारो इन लोगों को, सेंट्रल मिनिस्टर होकर बोलता है, मगर कोई केस होने को तैयार नहीं है। तो आप हमको लड़ना है तो ये TRS नहीं लड़ सकती, एक सिक्के के दो रुख है, इन्हें उन्हें दोनों एक ही है। आप हमको दोनों चीज़ें हैं, हम कलमा गो हैं, कलमे का भी ख्याल रखो। आज मुल्क में मुसलमान कितने परेशानियों से गुजारा उसका भी ख्याल रखो। और ये दोनों हुकूमतें मिलकर बेरोजगारी कितने बढ़ गई, क्या था भाई कांग्रेस के दौर में 35 रुपये किलो मीठा तेल था, अब 175 रुपये। आज कांग्रेस पार्टी ने जानी साहब पंचायत राज मिनिस्टर एक किट दी, इंद्रम्मा किट, उसमें 9 थे, चावल, गेहूँ, मीठा तेल, इमली, हल्दी और शक्कर, तो नमक, ऐसे चीज़ें दी हम। 20 रुपये किलो दाल थी, आज 100 रुपये किलो दाल है, 318 रुपये सिलेंडर है, आज 915 रुपये सिलेंडर है, कहाँ से लेंगे गरीब? आप सबको घरों में घर है ना, बीवी बच्चे हैं ना, क्या तकलीफ हो रही है? तो हमको और फिर एक नौकरी किसी मुसलमान को, ये एक बच्चे को लोन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कुछ नहीं मिला। अब वो कह रहे कि हम करेंगे 4-6 मस्जिदें तोड़े, सेक्रेटरीट के अंदर यही वो जाना रेड्डी होम मिनिस्टर थे, मैं राजशेखर साहब बोला साहब मस्जिद बनना है, आप ही दी खुद को बोले, मैं बोलते दूसरे मजहब वाले आके बोले हमारे को टेम्पल को दो, हमारे चर्च अयो याड़ा कुट्राटा बैठना हुआ रात्रि की जिसको इनाग्रेशन इमरान जिसको बोले तो जब मौलाना जमे तबलीग जमात के अमीर साहब, मौलाना नईम साहब, आखिल साहब सब इंतकाल हो गए, उन लोगों को लेके रात के 9-11 बजे रात को सेक्रेट में करके ऐसी आलिशान मस्जिद बनाया, तोड़ दिया। इसके बेटे का वास्तु नहीं है कि तो उसका बेटा CM बनने के लिए हमारे 2 मस्जिदें तोड़ दिया, आबाद मस्जिदें, अब बोल रहा हूँ गेट के बाहर बना के देता हूँ 1500 गज में आलिशान बनाता हूँ। अरे हमारा इस्लामिक नजरिए में जहाँ हम सजदा करें वहीं नमाज पढ़ना है नहीं है हमारे अकबाल भाई? तो क्या है वो तो मलबा गिरा बोला, मलबा गिरा तो हट देना, हमको जाने दे, हम बना लेते, हमारे पैसों से बना लेते, पूरी जमीन दोस्त करनी हमें हिंदुस्तान में कोई नहीं करा जी। खाली बाबरी मस्जिद एक गिरी तो कई हजारों लोग शहीद हो गए, इन्हें अंदर से अंदर दीवार में तोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमने 4% मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आज भी प्राइवेट लड़ रहा हूँ सलमान खुर्शीद साहब से, मेरे वकील हैं, ये वो तेलंगाना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ही नहीं है, 12 बोला असेंबली में बिल पास करा, मैं और KCR कैसे लड़े? मैं बोला KCR 12% कैसा होता, तुम्हारी BC कमीशन 10 बोल रही, तुम 12 बोल रहे, हाउ इज पॉसिबल? शब्बीर आप अपने आप को बहुत तो होशियार समझते, हा 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 मैं भी कुछ कम नहीं, मैं भी तुमसे बहुत होशियार हूँ, मेरे को भी मालूम बिल वापस आता हुआ। मैं बोला रोना हंसना मेरे को बोल रहा हूँ नाक दर्ज चालाक होशियार हूँ ना, चालाक है तुम बहुत, बाकी मैं भी तुमसे बहुत चालाक हूँ, मैं ला दूँ कैसा भी। अब खुश बोल रहा ना पुश बोल रहा, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 लिखी लेटर, ये मोहम्मद अली साहब को तेलुगान बोला भाई 12% कहाँ है हमारा, कांग्रेस 5 बोली 4 करी, तो 12 बोला ना 6 कर, 7 कर, 8 कर, कैसा बना था देख, हम 5 को लड़े 3 जगह हार गए, उसके बाद भी हम हारे नहीं, जीत सीढ़ियाँ चढ़ते गए गिरते गए, हाईकोर्ट सुदर्शन रेड्डी बेंच में हार गए, बिलाल नस्की के बेंच में हार गए, अनिल धावे के उसमें हार गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टेला के जिंदा है। कितने बच्चे 20 लाख बच्चे आज नौकरियां मिल रही, सरपंच बन रहे, काउंसलर बन रहे, मेरा भतीजा कामारेड्डी से काउंसलर बना DC कोठे में, हैदराबाद में 43 मुसलमान जीते 150 में, तो 30 रिजर्वेशन से आए, 13 जनरल में आए। अगर ये रिजर्वेशन कांग्रेस का नहीं आया, जाना रेड्डी, शब्बीर अली, राजशेखर रेड्डी नहीं लाए तो क्या होता था? सिर्फ 13 ही जीते थे आपके,
आज 43 जीते बीसी में, इतना बड़ा फायदा करे हम? तो इसके लिए आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अदबन गुजारिश कर रहा हूं, और मगरिब का वक्त है, मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूं आपके दिलों को फेर दे। दिलों में जो भी कुछ लोग बता रहे हैं तो सब झूठ है, सरासर झूठ है। कुछ ये बोले, बोलते शादी मुबारक, अरे वो भी हम 25,000 से हम शुरू करें, अब बोल रहे 25 देते थे, हाउ भाई यहाँ 2 करोड़ में डैम बना, अब तो 1,00,000 करोड़ से वहाँ कालेश्वरम बनाया, फिर कई हो गया पैसे तो वो जब 16 साल पहले वो 25,000 ही बड़ा अमाउंट था, अब 1,00,000 हुआ, उसके हट के तो क्या करा। तो हमसे यही चाहते हैं कि मैं आपसे एक मरतबा मैं कहता हूँ कि जाना रेड्डी कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान को जोर से, मगरिब का टाइम अल्लाह को सुने, अल्लाह ये टाइम पे जो भी दुआ करता कबूल करता। हमें अल्लाह से भी आप लोगों से भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह हम के दिलों में जाना रेड्डी के लिए मोहब्बत और कांग्रेस के लिए मोहब्बत, और सुबह ही उठकर 17 तारीख के दिन आप अपने भाई बहन अपने अहलिया सब के साथ जाकर वोट डालें, हाथ के निशान को डालें कांग्रेस। क्या भाई मंजूर है? उसे भाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे जाना साहब बात।